पांच में से चार राज्यों में बीजेपी ने लहराया परचम, यूपी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में फिर बनाएगी सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुई है रिकॉर्ड तोड़ जीत। पांच राज्यों के नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी का विक्ट्री सेलिब्रेशन, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने लिया हिस्सा। विधानसभा चुनाव नतीजे पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी के प्रो पुअर प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर मुहर लगी। जातिवाद की राजनीति पर बोले पीएम मोदी, जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि देश को तोड़ने के लिए, बीजेपी ने यह करके दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि इस बार भी पॉलिटिकल ज्ञानी कहेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। पीएम मोदी की दो टूक, मैं किसी परिवार और व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ लोकतंत्र की चिंता करता हूं। पीएम मोदी ने जताई उम्मीद, कहा कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्य अस्त देश के नागरिक ही करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि घोटालेबाज एकजुट होकर जांच एजेंसियों को कर रहे हैं बदनाम। पीएम मोदी ने पंजाब के कार्यकर्ताओं की विशेष प्रशंसा की, कहा कि विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का झंडा किया बुलंद। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, कहा कि भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से समस्या को सुलझाएं। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा कि एक तरफ यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा था, दूसरी तरफ ये लोग मनोबल तोड़ने की बात करते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव महज गणित नहीं है, केमिस्ट्री है, देश का हर तबका पीएम मोदी के साथ केमिस्ट्री को मजबूत कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चार राज्यों में जीत बताता है कि लोगों को पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा है। बीजेपी 255 सीटों पर जीत हासिल कर बनी सबसे बड़ी पार्टी, उसके सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी ने 113 सीटों पर जीत हासिल की है, अपने सहयोगी दलों के साथ 125 सीट जीती हैं। 37 साल बाद यूपी में रिपीट हो रही है सरकार, 5 साल पूरे करने के बाद फिर से सीएम बनने जा रहे हैं योगी। सीएम योगी बोले, जनता ने जातिवाद परिवारवाद को तिलांजलि देकर बीजेपी को दिया है प्रचंड जनादेश। यूपी में प्रचंड जीत के बाद बोले सीएम योगी, कहा कि यूपी की जनता ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन को चुना है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में बीजेपी को मिला है अभूतपूर्व जीत, जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर सदर सीट पर सीएम योगी को मिले हैं बंपर वोट, करीब 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। करहल सीट पर जीते अखिलेश यादव, बीजेपी के एसपी बघेल को 67,504 वोटों से हराया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, सपा गठबंधन के उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने 6,832 वोटों से हराया। केशव मौर्य के अलावा योगी सरकार के 9 और मंत्री भी चुनाव हारे, गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली जिले की थाना भवन सीट से हारे। सरधना से बीजेपी के संगी सोम चुनाव हारे, सपा के अतुल प्रधान से भी कांटे की टक्कर। बीजेपी छोड़ सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर सीट से हारे, कहा कि चुनाव हारे हैं हिम्मत नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तमकुही राज सीट पर करारी हार, तीसरे नंबर पर है। लखीमपुर की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, सदर सीट से बीजेपी के योगेश वर्मा, धरौरा से विनोद अवस्थी जीते। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, अतरौली से संदीप सिंह जीते। वाराणसी की सभी सीटें बीजेपी ने जीती, शिवपुर से अनिल राज पर, कैंट से सौरभ श्रीवास्तव भी जीते। गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, साहिबाबाद सीट पर बीजेपी ने सुनील शर्मा ने 2,14,000 वोट से जीत का नया रिकॉर्ड भी बनाया। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने बनाया रिकॉर्ड, 1,80,000 वोटों से जीते। मथुरा से योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, इलाहाबाद पश्चिम से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और शिवपुर सीट से अनिल राजभर भी जीते। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर सपा गठबंधन ने कब्जा किया, सदर और खतौली सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर सपा और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांट सीट से सपा के कमाल अख्तर जीते। बरेली जिले के 9 में से 7 सीटों पर खिला कमल, आंवला सीट से धर्मपाल सिंह 6ठी बार और बरेली से डॉक्टर अरुण कुमार 3री बार जीते। यूपी में बीजेपी की जीत पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से जातिवाद परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को नकारने का बात कहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि राहुल का संकल्प है कांग्रेस को समाप्त करना, अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। यूपी फतेह के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विकास का बुलडोजर चलता रहेगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में जीत के लिए बीजेपी को बधाई दी, कहा कि जनता के फैसले का सम्मान करता हूं। यूपी में जीत के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव का नया नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब हैं भाजपाई। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास, लगातार 2 बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी बनी, 70 में से 47 सीटों पर कब्जा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 19 सीटें जीतकर अपने प्रदर्शन में किया थोड़ा सुधार, बीएसपी ने 2 और निर्दलीय ने 2 सीटों पर कब्जा किया। उत्तराखंड के सीएम खटीमा से हारे चुनाव, 6,500 वोटों से पुष्कर सिंह धामी हारे। कांग्रेस नेता हरीश रावत 14,000 वोटों से चुनाव हारे, लालकुआं सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने हराया।
हरीश रावत ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी महंगाई के बाद भी लोग बीजेपी जिंदाबाद के नारे कैसे लगा रहे हैं। हरिद्वार सीट से बीजेपी की जीत, बीजेपी उत्तराखंड अध्यक्ष मदन कौशिक जीते। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोटियाल का बयान, जनादेश को हमें तय दिल से स्वीकार करना चाहिए। गोवा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी, 40 सीटों में से 20 सीटें जीती, 3 निर्दलीय और एमजीपी के 2 विधायकों ने भी समर्थन का ऐलान किया। गोवा में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर मिली कामयाबी, टीएमसी खोल नहीं पाई है खाता। गोवा में आज बीजेपी के नए जीते हुए विधायकों की बैठक होगी, पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जीते चुनाव, कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, कम अंतर से जीता हूं चुनाव। गोवा की हॉट सीट पणजी से बीजेपी के अंतासियो मोंसेरेट जीते, निर्दलीय खड़े मनोहर परिकर के बेटे उत्पल परिवार को हराया। गोवा में 2 सीटें जीती आप, सीएम केजरीवाल बोले गोवा में ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई। गोवा में कांग्रेस की हार पर बोले पी चिदंबरम, वोट बंटवारे की वजह से हमारी हार हुई है, बहुत कम अंतर से हारे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 117 में से 92 सीट जीतकर 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पंजाब में कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की, शिरोमणि अकाली दल ने 3 और बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा किया। पीएम मोदी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई दी, प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आज दिल्ली आएंगे आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात, शपथ ग्रहण के लिए देंगे न्योता। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान का ऐलान, शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे। केजरीवाल ने पंजाब में प्रचंड जीत के बाद रैली की, कहा कि पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिला दी। केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह को याद किया, कहा कि 75 साल में किसी ने व्यवस्था नहीं बदली, आपने बदल दी है व्यवस्था। केजरीवाल बोले पंजाब के नतीजों ने बता दिया कि वो आतंकवाद नहीं देशभक्त हैं। पंजाब में जीत के बाद भगवंत मान बोले विरोधियों ने मेरी और केजरीवाल का अपमान किया, अब पंजाबियों की इज्जत करनी होगी। पंजाब में जीत के बाद बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, किए गए वादों के हिसाब से ही पंजाब में काम होगा। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की होगी आज आखिरी बैठक, बैठक के बाद गवर्नर को इस्तीफा सौंप सकते हैं चन्नी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से हारे, मदौर से 37,000 और चमकौर साहिब से 7,000 से ज्यादा वोटों से हारे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर बादल, प्रकाश बादल, नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजिठिया की भी करारी हार। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने हारी जलालाबाद की सीट, आम आदमी पार्टी के नेता जगदीप कंबोज ने 30,000 वोटों से भी हराया। पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह करीब 20,000 वोटों से हारे, नवजोत सिंह सिद्धू का भी नहीं चला जादू, 6,000 से ज्यादा वोटों से हारे। आपके सीएम फेस भगवंत मान पंजाब की 58,206 वोट से जीते, कांग्रेस के दलबीर सिंह गोल्डी को हराया। पठानकोट से जीते राज्य के बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, कांग्रेस उम्मीदवार अमित विज को हराया। सोनू सूद की बहन और कांग्रेस की उम्मीदवार मालविका सूद की मोगा से करारी हार, आप उम्मीदवार डॉक्टर अमनदीप कौर ने हराया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंजाब में हार का ठीकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फोड़ा, कहा कि 4.5 साल के एंटी इनकम्बेंसी को खत्म नहीं कर पाए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 5 राज्यों के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, हार पर मंथन के लिए सोनिया गांधी ने बुलाई है बैठक। पंजाब में सरकार गठन से पहले ही हरियाणा के सीएम खट्टर ने तकरार के दिए संकेत, कहा कि पानी और प्रदूषण को लेकर विवाद बढ़ेगा। मणिपुर में बीजेपी ने फिर जीत दर्ज की, 60 में से 32 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, कांग्रेस को मिली सिर्फ 5 सीटें। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी बोले जनादेश स्वीकार, हार से लेंगे सीख। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कि उनमें गलतियों से सीखने का दमखम नहीं है। यूपी में करारी हार के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि संघर्षशील विपक्ष का कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी से निभाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले शशि थरूर, संगठनात्मक नेतृत्व में सुधार की जरूरत का वक्त है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्बई की भविष्यवाणी, कहा कि नतीजे से स्पष्ट है 2024 में केंद्र में हमारी ही सरकार बनेगी। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर खेली गई होली, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। लखनऊ में होली के साथ साथ मनी दिवाली, बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर जुटे समर्थक, जमकर हुई आतिशबाजी। लखनऊ में बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे बुलडोजर पर चढ़ी, बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, समर्थकों के साथ झूमते नजर आए। फिरोजाबाद में मतगणना स्थल के बाहर बवाल, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। जसराना विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत की घोषणा में देरी पर भड़की भीड़। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात का दौरा, रोड शो के साथ रैली को भी करेंगे संबोधित, 4 लाख लोग शामिल होंगे।
भारत और चीन के बीच आज 15वें दौर की कोर कमांडर की बातचीत होगी। पूर्वी लद्दाख में मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया। लश्कर से जुड़ा आतंकी पाकिस्तानी नागरिक था। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का आज से ट्रायल शुरू होगा। दिल्ली एम्स में होगा बूस्टर डोज का ट्रायल। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग का आज 16वां दिन। यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही। रूस ने यूक्रेन पर तेज की बमबारी। मारियापोल समेत कई शहरों पर हमला हुआ। बमबारी की वजह से घरों में फंसे सैकड़ों लोग। खाने पीने की दिक्कत। कीव के पूर्वी छोर पर यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंक के काफिले को रोका। कुछ टैंकों को तबाह करने का भी दावा किया। यूक्रेन के चर्धीव में मिसाइल को किया गया डिफ्यूज। मिसाइल से ब्लास्ट की कैंप को हटाया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन को नई मानवीय सहायता का ऐलान किया। करीब 53 मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है। दो दिनों में सुमी कीव ओब्लास्ट से 80,000 नागरिकों को बाहर निकाला गया। यूक्रेन के मंत्री इरीना वेरेशुका ने जानकारी दी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आज लौटेगी 3 फ्लाइट। करीब 600 छात्र वापस लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।